हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसी चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की प्रिपरेशन? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा डिस्कस करा था। कैसे डिस्कस करा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर किसी का डायमेंशन घटता है, किसी का बढ़ता है, क्या कैसे, सारा फंडा किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, जाकर के थर्ड लेक्चर देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन उसके आगे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन होल्ड होता है, मीन्स रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, देखेंगे, ध्यान से समझ आएंगी। अल्फा कहाँ डिफाइंड होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, बीटा सरफेस थर्मल एक्सपेंशन में जहाँ पर एरिया हो, और गामा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में जहाँ पर वॉल्यूम हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो अपने को अगर डिस्कस करना है, जैसे मान लो कोई भी एक सबस्टांस है जिसमें केवल लेंथ समझ में आ रही है, इसमें विड्थ और हाइट नहीं है। हम एक ऐसा फिगर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है, मतलब डबल लेंथ है। एक्चुअली विड्थ भी क्या है, एक लंबाई ही तो है। और एक ऐसा फिगर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज है। ऐसे लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है। तो इसमें हमने क्या डिफाइन करा था, अल्फा, इसमें बीटा और इसमें गामा। तो एक्चुअली लेंथ है, विड्थ है, यहाँ पर लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तीनों चीज है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया था थर्मल एक्सपेंशन अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, यहाँ पे सरफेस थर्मल एक्सपेंशन बीटा, और यहाँ पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा बीटा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गामा। अब जरा हम इस लीनियर और एरियल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना चाह रहा है। अब आप जानते हो कहीं भी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। अब यहां पर यह मत कहना कि सर हम अगर एरिया निकालेंगे सर्कुलर डिस्क का तो वहां तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है, आर स्क्वायर डबल लेंथ का स्क्वायर कर रहे हो, लेंथ इंटू लेंथ, रेडियस इंटू रेडियस, दो लेंथ यूज कर रहे। अगर आप किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया करोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई यूज करोगे, लेंथ इंटू विड्थ यूज करोगे, तो लंबाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी यहाँ एक लेंथ ही तो है, हमें एक लीनियर ऑब्जेक्ट ही तो कर रहे हैं। दो बार लेंथ इंटू लेंथ निकालने से क्या निकल जाएगा, एरिया। तब तो एरिया का यूनिट निकालते हो आप मीटर स्क्वायर, कभी भी एरिया कहाँ निकालते हो, मीटर स्क्वायर में, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, डबल लेंथ का प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये मत करना कि यहाँ लेंथ यूज कर रहे हैं, विड्थ यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू की जगह पर बी की जगह पर एल क्यू यूज कर रहे हैं। सही है, हमने विड्थ यूज करा, बट विड्थ भी क्या है, एक लंबाई ही तो है। तो अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मीन्स हम यूज कर सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। दोनों साइड लॉग लो, टेकिंग लॉग टू द बोथ साइड। अगर दोनों साइड हमने लॉग लगा लिया क्या बन जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एल स्क्वायर, जानते हो लॉग का जो पावर होता है पीछे मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग ए इज इक्वल टू टू इंटू लॉग एल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एल, एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में 1/a इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा एल। पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी ए बाई डी एल।
आप इसको अगर एक बार चेन रूल लगा करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू ए और डी ए बाई डी एल। फाइनली हमें एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एल विथ रेस्पेक्ट टू एल। क्लियर, यहाँ से अब यहाँ आ जाए, लॉग ए का ए के रेस्पेक्ट में लॉग का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, वन बाई ए, डेल ए बाई डेल एल इतना ही रह जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते हो, डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, लॉग एल का एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन बाई एल। आप इसको ऐसे लिख दो, डी ए बाई ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी एल बाई एल। गौर से देखो तो डी ए बाई ए मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डी एल बाई एल, डी ए बाई ए। तो डी ए बाई ए को आप क्या लिखते हो, आप ओरिजिनली याद करोगे तो आपको दिखेगा कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा थीटा हुआ करता था, तो क्या डेल्टा एल बाई एल के जगह पे डेल्टा ए बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा डेल्टा थीटा और टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल के, डेल्टा एल बाई एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा भगा दो, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा है, इसके लिए आप साइड से लिख सकते हो, चूँकि अपने पास होता है डेल्टा एल वाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा एंड डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू होता है बीटा डेल्टा थीटा। सेम टेम्परेचर रेंज में हम डिस्कस करें तो यहाँ डेल्टा एल ना लिख करके डी ए लिखा हुआ है, बहुत स्मॉल चेंजिंग, डेल्टा और डी में कोई फर्क नहीं है, डी ए बाई ए, डेल एल वाई एल, अल्फा डेल्टा थीटा, बीटा डेल्टा थीटा, हमें निकल गया बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का डबल टाइम्स होता है सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। हमें बीटा और अल्फा में एक इक्वेशन होल्ड हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लें, ये साइड से लिखे यहाँ तक पहुँचे। चलिए इसके बाद हम वापस से आते हैं वॉल्यूम की तरफ, हमें बीटा और अल्फा में रिलेशन मिल गया, अब आते हैं फिर से आप देखेंगे सिमिलर टाइप, सिमिलरली कहीं भी आप वॉल्यूम लिखते हो तो क्या लिखोगे, लेंथ इनटू लेंथ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कुल मिला के तीन लेंथ, अगर आप स्फेयर डिस्कस कर रहे हो तो 4/3 πr³ मतलब रेडियस को तीन बार गुना कर रहे हो, तो कुल मिला के आप कहीं भी किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का तो उसमें लेंथ का मल्टीप्लीकेशन तीन बार होगा ही होगा, डैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं लेंथ लेंथ लेंथ, या लेंथ 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 का मतलब ये मत समझना कि हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, नहीं, हमने सिंपल निकाला कि वॉल्यूम जो होता है वो तीन बार लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आता है, चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या तीन बार रेडियस गुना कर दो या कुछ भी गुना कर दो, बट तीन बार हमें लेंथ वाले डायमेंशन को यूज करना पड़ेगा। मीन्स हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू तीन बार लेंथ, लेंथ क्यू लेंथ क्यू लेंथ मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ लेंथ क्यू, फिर से लॉग लगा दो, टेकिंग लॉग टू द बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाएंगे क्या बन जाएगा, लॉग भी इज इक्वल टू लॉग एल क्यूब, लॉग का जो पावर होता है पीछे गुना में आ जाते हैं, लॉग भी इज इक्वल टू 3 log L, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो लॉग हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग भी विथ रेस्पेक्ट टू डी भी डी एल, यहाँ डिफ्रेंशिएट किए हो विथ रेस्पेक्ट टू L, तो यहाँ पर हमने लगा दिया चेन रूल, फिर से 3 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एल विथ रेस्पेक्ट टू एल डी एल, आगे बढ़ जाएंगे भी का लॉग भी का भी के रेस्पेक्ट में 1/v, डिफ्रेंशिएशन 1/v डी भी बाई डी एल यहीं पर रहेंगे, डी भी बाई डी एल यहीं पर रहेंगे 3 टाइम्स, जहां है वहां रहेगा लॉग एल का एल के रेस्पेक्ट में 1/v
एल, यहाँ बन गया डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ डी एल बाई एल। और गौर से देखेंगे डी वी बाई वी चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया गामा डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल व्हाट अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा गया गामा इज इक्वल्स टू थ्री अल्फा, मतलब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का थ्री टाइम्स। क्लियर, ये आपके पास रहा इक्वेशन नंबर दो। अब चूंकि बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा, ये कहाँ से लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड गामा इज इक्वल्स टू थ्री अल्फा, ये अभी हमने देख लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दैट इज हम लिख सकते हैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल्स टू वन इज टू टू इज टू थ्री। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा एक अनुपात दो अनुपात तीन, मतलब अल्फा का दो गुना होता है बीटा, उसका तीन गुना होता है गामा। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल्स टू वन इज टू टू इज टू थ्री, मतलब अल्फा का दो गुना होता है बीटा, अल्फा का तीन गुना होता है गामा, मतलब बीटा का डेढ़ गुना हो जाएगा गामा। यहाँ बीटा बाई गामा करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा टू बाई थ्री। इसी प्रोपोर्शन में हमें अगर रिलेशन निकालना पड़े तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन। ये एक्सप्रेशन काम का नहीं है, बट ये न्यूमेरिकली या ऐसे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से कि अल्फा बीटा और गामा थर्मल एक्सपेंशन के बीच जो रिलेशन आते हैं वो कैसे कैसे होल्ड करते हैं हमें दो। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू वन इज टू टू इज टू थ्री। नोट करेंगे, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए नोट करिए वीडियो पॉज करके अपना। चलिए एक ऐसे ही हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। इफ क्वेश्चन लेंथ ऑफ अ रॉड एट जीरो डिग्री सी इज 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सी इफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस पर डिग्री सी, पर डिग्री कितना पर डिग्री सी। हमें निकालना है एक लेंथ रॉड का कहाँ पर 100 डिग्री पर, अगर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ है 80 सेंटीमीटर। मेरे पास ध्यान देना इनिशियल जो लेंथ दे रखा है कहाँ पर दे रखा है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और मांग कहाँ पर लेंथ रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर पर, कब जब उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू अल्फा दे रखा है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सी। तो अपने पास देखो इनिशियल लेंथ कहाँ दे रखा है 0 डिग्री सी पे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ना करके, क्योंकि जब 0 पर होता है तो डायरेक्टली डेल्टा थीटा ना लिख के थीटा लिखते हैं। अपने को मांग रहा है एल, एल नॉट कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में यूज करोगे तो सेंटीमीटर में वैल्यू रह जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर में आएगा 80 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू थीटा, टेम्परेचर कितना डिग्री पर जाके तुमसे डिस्कस करवा रहा है 100 डिग्री पर। एल इज इक्व टू 80 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इंटू 10 के पावर 2 10 पावर माइनस 3, मतलब 80 इंटू 1 प्लस 1.5 बाय 1000, 1.5 बाय 1000 बहुत कम वैल्यू आ जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1.5 बाय 1000, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे निकाल दो, इतना कौन माथा पच्ची करेगा 81 प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0015, देखो तो हो जाएगा ना इतना।
हमने 1.5 से घसका करके 3 पॉइंट इधर उठा के ले आया 0.0015, तो ये वैल्यू कितना आ गया 80 × 1.0015, इसको गुना कर दो आप 10 से गुना कर दो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 10.015, ठीक है, यहाँ गुना कर लो 8 × 5 = 40, 0 × 8 = 12 = 2 = 1, 1 × 8 = 80.12 सेंटीमीटर, 80.12 सेंटीमीटर, मतलब अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर लेंथ अगर 80 सेंटीमीटर है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँचते पहुँचते उसका लेंथ हो जाएगा 80.12 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मिलीमीटर उसका लेंथ बढ़ा है, 1.2 मिलीमीटर में लेंथ बढ़ गया है, क्यों, चूँकि अल्फा देखो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्लियर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो बिना किसी, हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं डायरेक्टली डाटा के हिसाब से, लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। मेरे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी रॉड का टेम्परेचर दिया हुआ है, उस समय इसका मान लो लेंथ है 1 मीटर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ है 1 मीटर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 30 से हम 80 कर देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर देते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तब का लेंथ क्या होगा, अगर अल्फा का वैल्यू दे रखा है, कुछ भी डाल दो, 2 × 10⁻²² पर डिग्री सी, अगर इतना वैल्यू दे रखा है, अपने को अल्फा दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ दे रखा है 30 डिग्री पर 1 मीटर और 80 डिग्री पर वैल्यू मांग रहा है, तो जब इनिशियल लेंथ 0 पर ना हो उस केस में वैल्यू यूज करते हैं L2 = L1 × 1 + α δ θ, ये रिलेशन यूज करते हैं। L2 अपने से मांगा जा रहा है, L1 कितना है 1 मीटर = 1 + α का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻²² चेंज इन टेम्परेचर 80 - 30, 50 का चेंजिंग हुआ है, 1 × 1 + 2, और ये वैल्यू कितना हो गया 10⁻², मतलब 1/100, और 80 में से 30 घट गया 50, ठीक, 50 × 100 एक मरतबे, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर। ध्यान दो, ये अगर हम डिस्कस करें तो 1 मीटर से बढ़ के 2 मीटर लेंथ उठा लेगा, कब, अगर इस हिसाब से उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो तब, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतना ही रैपिडली बढ़ेंगे, तो इस समय इसका लेंथ बढ़ के कितना हो गया 2 मीटर, डायरेक्टली लेंथ दोगुना हो जा रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन चाहे लीनियर पर दे, चाहे सरफेस पर दे या वॉल्यूम पर दे, आप इजीली कर सकते हो। ओके, बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।